ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और हम बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में पहुंच चुकी हैं, उनसे पूछताछ होगी। आज आपको बता दें कि 3 सदस्यीय टीम है जो कि कमरे में मौजूद है, उनसे पूछताछ करेगी। और इस बीच दूसरी तस्वीर कांग्रेस के प्रदर्शन की, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता देश के कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, जम्मू, हैदराबाद से कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई, चेन्नई से तस्वीरें दिखाई। तो इस बड़ी खबर पर हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो बने हुए हैं और ग्राउंड जीरो से आपको सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और इससे पहले कुछ नेताओं ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको सुनवा देते हैं। Government has tried to target Mrs. Gandhi and Rahul Ji, and the blatant misuse of these agencies is something that is going to be very dangerous for our country, for our democracy. And in the time to come, people will realize this blatant abuse of authority, this blatant misuse of CBI and ED, income tax, etc. is something that is uncalled for. And in this case, mein to koi FIR nahi hai, koi case nahi hai. Jaan pooch ke political opponents ko dabane ki koshish ki ja rahi hai. And we will face it politically, we'll face it whatever they want to do. But the entire country is watching how the government of India is absolutely hell-bent upon muzzling the voice of the Congress party and its leadership. And we are fully prepared to take on any challenge. Question him. तो लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता, मेरे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं, एमपीज हैं, उनको हिरासत में ले लिया गया है। सीनियर नेता है जिनको हिरासत में इस वक्त ले लिया गया है। और दूसरी तरफ सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। 3 सदस्यीय टीम है जो कि सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है। ये वही टीम बताई जा रही है जिन्होंने राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी। मेरी सहयोगी ईला लगातार बनी हुई है हमारे साथ, तमाम अपडेट दे रही है। ईला, तो एक तरफ ईडी से पूछताछ कर रहे हैं और दूसरी तरफ इधर प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन इस बीच जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो हिरासत में ले लिए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, आरोप कई तरह के लगाए जा रहे हैं?